नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। लॉ कॉलेज की मान्यता को लेकर आज फिर एक प्रतिनिधिमंडल मिला जिला अपर कलेक्टर से। इन छात्रों के अनुसार विधि महाविद्यालय की मान्यता उस समय रद्द की गई है जिस समय इनकी परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि यदि जिले में एकमात्र विधि विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो इससे यहां पढ़ रहे छात्रों का गहरा संकट छा जाएगा, क्योंकि उन्हें आगामी पढ़ाई करने के लिए जिले से बाहर जाना पड़ेगा। वहीं कई छात्र छात्राएं तो ऐसे हैं जो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने में अक्षम हैं, जिनके साथ उनके भविष्य की भी काफी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। छात्रों का यह भी आरोप है कि लॉ काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक टीम के द्वारा मान्यता को रद्द किया गया है, जबकि ऐसी कोई भी खामी इस विधि विद्यालय में नहीं है जिसकी वजह से इसकी मान्यता को रद्द किया जाए। महाविद्यालय की मान्यता को बाहर करना होगा। वो आपस में जो बातचीत करने की जरूरत है वो आपस में सामंजस्य बैठा के बातचीत की जाए। हाँ, वो ही मैं ये बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल सर से तो बात की जाए। अभी प्रिंसिपल सर ने जवाब दे दिया कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, मगर पहली जो काउंसलिंग होनी थी वो आज 20 तारीख को लिस्ट लगना था फर्स्ट की। 100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट मतलब अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, और विधि विद्यालय जो एक कॉलेज है पूरे जिले में और उन्होंने 5 कॉलेज की मान्यता रद्द की है। मतलब पूरे ग्वालियर संभाग में कहीं भी आप किसी को भी लॉ करना है तो कुछ छिंदवाड़ा या जबलपुर जाना पड़ेगा, तो सभी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो लोग बाहर जा। तो आपसे यही अनुरोध है कि हम बेसिक में तो आज सर कलेक्टर सर से ही मिलने आए थे कि वो ही निराकरण कर पाएंगे, और अभी वो बता रहे हैं कि मीटिंग चल रही है इसलिए वो मिल नहीं पा रहा है। मीटिंग नहीं, भोपाल से फर्क है, मुख्य सचिव ले रहे हैं। अच्छा, फर्क कॉन्फ्रेंस एक बजे छूटेंगे तो ऊपर बात मिल सकते हैं। आज हम लोगों का एग्जाम था सेकंड ईयर का। आज हम लोग एग्जाम देकर यहाँ पर कलेक्टर सर के ऑफिस में आए हुए हैं। अभी विगत एक हफ्ते से आप अखबार में भी देख रहे होंगे कि जो हमारा गुना जिले का एकमात्र विधि महाविद्यालय है उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, और वो मान्यता ऐसे समय में रद्द की गई है जहाँ छात्र अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, साथ ही में एग्जाम के लिए कॉलेज में आ रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति में जो मान्यता को रद्द किया गया है, तो आज हम लोग सभी छात्र मिलकर यहाँ पर कलेक्टर सर से मिलने के लिए आए थे कि जो मान्यता रद्द की गई है उसको पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि अगर लगातार इस तरीके से होता रहा, क्योंकि पूरे ज़िले में एक विधि महाविद्यालय है और अगर लॉ कॉलेज यहाँ से बंद हो जाएगा तो छात्रों को यहाँ से ग्वालियर संभाग से बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। कुछ कमियाँ रही होंगी कॉलेज में इसलिए रद्द किया गया है? सबसे बड़ी बात यही है कि कोई कमी नहीं बताई गई है। अच्छा। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो चेकिंग सिस्टम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई टीम नहीं आई है कॉलेज में चेक करने के लिए, जो ये बता पाती है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी है या लाइब्रेरी की कमी है। तो कमी का जो हवाला दे रहे हैं कि कमी के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, और मान्यता रद्द की है जीवाजी यूनिवर्सिटी ने, तो उसको तो लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो रद्द कर सकती है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, लॉ स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द छात्रों को एडमिशन दिया जाए, और हम लोगों के जो एग्जाम चल रहे हैं ऐसे समय में हम लॉ स्टूडेंटों को परेशान ना किया जाए। प्रशासनिक लापरवाही के चलते कई क्विंटल खाद्यान्न बना मवेशियों का चारा। जिले में व्यापक स्तर पर की गई खरीदी के बाद अब मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते खाद्यान्न बाहर खुले में रखे हुए हैं, जिसके चलते मवेशी उसे खा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंडी प्रशासन के अधिकारी इन दोनों भोपाल में हैं। वहीं जिस वेबसाइट के माध्यम से खरीदी हुई थी उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर उन्हें वहां बुलाया गया है, जिसके बाद खाद्यान्न को खुले में ही छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात तो कई क्विंटल खाद्यान्न मवेशी द्वारा खत्म भी किया जा चुका है। जिस बोरे में 50 किलो चना रखा गया था अब उसे महज 2 या 3 किलो ही चना शेष रह गया है। कौन होगा इस बर्बादी का जिम्मेदार? We'll be right back.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया युवा सम्मेलन। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पन्नालाल शाक्य, नगर पालिका अध्यक्ष राजू यादव आदि पहुंचे। युवा सम्मेलन के मंच से विधायक पन्नालाल शाक्य ने छात्र छात्राओं को नसीहत दी कि भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोशिश की जाएगी हम भ्रष्टाचार ना करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। वहीं इस मौके पर छात्र छात्राओं को खेल सामग्री का भी वितरण किया गया। और कुछ नहीं कर सकते तो फिर पक्का मानना ऐसी संस्थाओं में मत जाओ जहां से हम कुछ लेके नहीं आते। हम अपना स्वार्थ भाव छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के ही इस समाज को, इस गांव को, इस बस्ती को और देश को बचा पाएंगे। नहीं तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है साहब, हमने कुछ योग विचार करो ही नहीं तो क्या मतलब है। इसलिए कुछ विचार कर लो, बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अगर आपने ये विचार कर लिया कि मैं अपने जीवन में 5 पेड़ लगाऊंगा और पेड़ वो भी लगाऊंगा जिनसे पानी गिरता है, तो ये नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, ये पेड़ लगाना चाहिए आपको। और अपन अपनी जीवन की ये पक्का मान लो, किसी ना किसी को तो साहब अपने आप को हम करना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते क्या उनको मना? और नहीं कर सकते तो चलो हटो यहां से, माइक लाना नहीं करोगे और बैठो ब्रह्मा। ये सब बात बताने के बजाय मेरा आपसे एक निवेदन, केवल एक निवेदन, कोई सा भी एक लक्ष्य तय कर लेना, कोई सा भी एक लक्ष्य, पेड़ लगाने का, प्लास्टिक बहिष्कार का। मेरे से पूछी थी एक बात और कदम लगे और कर दे, मैं चुनाव लड़ने खड़ा हुआ तो मुझसे पूछी मत पेपर वालों ने, ये चैनल वालों ने, क्यों साहब आप भ्रष्टाचार के लिए क्या करोगे, ये भ्रष्टाचार व्याप्त थे इसके लिए आप क्या करोगे? क्या अपन कुछ नहीं करेंगे? बोलिए क्यों, क्या मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं कुछ तो बताओ, आप जब प्रतिनिधि बन जाओगे तो भ्रष्टाचार के लिए कुछ करोगे तो सही। हमने कही हम कुछ नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार के लिए हम नहीं करेंगे, और हम जिन 4.5 साल में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी काम, कोई भी कदम गलत ना पड़ जाए, बस ये अपन ने जो तय किया था 4.5 साल की यात्रा अभी तक एक तरह से बिना दाग के निष्कलंक संपन्न होती जा रही है। और आप सबसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी कोई एक विचार कर लेना, कोई एक लक्ष्य ले लेना। चलिए इसके बाद में प्रेम युवक मंडल भागवत महिला मंडल देखिए नेहरू युवक केंद्र संस्था चलती है उसका जिला सम्मेलन, तो आज उसमें क्या वितरण सामग्री वितरण की गई है? अपनी जो इनकी ब्लॉक इकाइयाँ हैं, तरुण लोग हैं, तरुण जो हैं युवक हैं उनको देते हैं खेलने कूदने के लिए। उद्योग विभाग कार्यालय में बन रहा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालय में रूफ हार्वेस्टिंग कराना जरूरी है। इसी तारतम्य में उद्योग विभाग में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। इस हार्वेस्टिंग सिस्टम की खासियत यह है कि उसे उस जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर पानी का स्रोत हो, जिससे उस स्रोत में पानी की कभी भी कमी ना आ सके। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि क्योंकि बारिश का मौसम शुरुआती दौर में चल रहा है, इसके जितना हो सके पानी को सहेज के रखें ताकि आने वाले समय में जल संकट पैदा ही ना हो सके। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पानी की पूर्ति हेतु और पानी जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग के लिए निर्देशित किया गया था,
जिनके निर्देशों के परिपालन में उद्योग विभाग द्वारा एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तैयार किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जल संग्रहण के साथ में जो उसके बाजू में जो जल के स्रोत है वो हमेशा रिचार्ज होते रहेंगे और पानी की प्रतिपूर्ति होते रहेगी। और पानी की प्रतिपूर्ति और स्रोत में हमेशा पानी बनाए रखने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जा रहा है। विश्व योग दिवस के मौके पर आज सुबह 6:30 बजे योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे तो जिले में कई स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, पर इसका मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारी एवं स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान कई तरह के आसन भी किए गए, जिसमें कपालभाति और प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम भी कराया गया। साथ ही ध्यान मुद्रा के साथ संकल्प एवं शांति पाठ भी हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में प्रत्येक उम्र के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर यह भी बताया गया कि किस तरह से योग से हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और बीमारियों को कोसों दूर। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधि ठीक से योग नहीं कर पाए, साथ ही योग की मुद्रा में वो गिरते भी नजर आए। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़े और दाहिने पैर को बाएं घुटने। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन अतिथियों से भी कुछ ही देर में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूल आधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। संदेश देना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, फिट रहना है, इससे हमारा हेल्थ भी रहेगा। एंड जैसे आप सभी जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो उसी का संदेश हम आप सभी को बताना चाहेंगे। और इसी क्रम में हर वर्ष भी हर दिन हम योग का राधोगढ़ के प्राचीन मंदिर पर हुई चोरी, चोरों का नहीं लग पाया कोई सुराग। राधोगढ़ में किले के पीछे बने हनुमान जी के प्राचीन मंदिर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने वहीं पर निर्माण कार्य में उपयोग में आ रहे सरिये को तोड़कर उसी से ताला तोड़ा, साथ में तिजोरियों को वहीं पर तोड़ा जिसमें रखा पूरा पैसा चोर ले गए। साथ ही हनुमान जी के मुकुट एवं श्रृंगार का सामान भी चोर अपने साथ ले गए। चालू कर लियो ये ठीक है। हाँ जी, लाल वाले भी चालू कर लिया। लाल चालू नहीं किया अभी मैंने, किया चालू नहीं किया। लाल चालू, ये भी इस पे रख देंगे ना। सुबह में जब आया तो देखा कि मंदिर थोड़ा अस्त व्यस्त है, देखा ताला खोल के देखा साइड का चैनल का ताला टूटा हुआ था। बाबा के जो है सामने तिलक और नासिका मुख की भी चांदी के लगभग 250-300 ग्राम वजन रहा हुआ, ये चोरी चले गए। दूसरी जो है बाहर की तिजोरी पे भेंट पेटी भी नज़र गई, तो वो भी ऊपर से तोड़ करके जो है, और अंदर की भेंट पेटी उसको भी उसका भी ताला वगैरह तोड़ा गया और उसमें से भी लगभग 10-15 हज़ार रुपये की राशि अंदाज होगा इतने, तो वो भी लेके गया। राघोगढ़ से हमारे सहयोगी सौरभ जैन के साथ कमलेश सैनी की रिपोर्ट। झागर में लगातार कई घंटों तक ट्रैफिक जाम। बताया जा रहा है कि डंपर को रोड किनारे बनी एक नाली में फंस गया था, जिसके कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। इस डंपर में भसुआ भरा हुआ था, जिसके चलते इसे निकालने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस डंपर को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा भी लिया गया। Thank you.
और कहा था कबो जीटिया वो कहा तुम बना रहे हो वो तो मना कर देते किस तरीके से फंसा था बैक करने में चला गया। अच्छा क्या नाम है आपका? हरीश चंद। तो यहाँ आप बैक कर रहे थे इसको, तो ये करीब कितने बजे हुआ था? ये शाम को 8-9 बजे तक। कल रात को? नहीं आज की रात। आज की रात को मतलब कल ही हुआ ना, तो अब जाके निकाला है। कौन सी कंपनी से है ये? क्या डंपर कौन सी कंपनी? तो ये किस काम में चल रहे हैं यहाँ पे? रेत। अच्छा रेत लेके। देखिए अपने ग्राम जागर के नाम चागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। चाचौड़ा में महाराणा प्रताप के जयंती पर निकाला गया चल समारोह। चाचौड़ा में राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप की जयंती पर विशाल चल समारोह निकाला। यह चल समारोह दशहरा मैदान से प्रारंभ हुआ और नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कम्युनिटी हॉल चाचौड़ा पहुंचा। इस चल समारोह में दशहरा मैदान से कम्युनिटी हॉल के बीच मुस्लिम समुदाय के अलावा कई अन्य समाज के लोगों ने स्वागत किया, जिसमें नामदेव समाज, यादव समाज कई जगहों पर स्वागत सत्कार करते नजर आए। इस चल समारोह की खास बात यह रही कि इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम परिवारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं जगह जगह स्वागत भी किया। उपस्थित ने कहा उत्कृत जागृत प्राप्त प्राणिबोध है। दादावाड़ का मारवाड़ का कोई नहीं है ऐसा ये शेर लाल मेवाड़ का महाराणा प्रताप गुजरों ने भीलों ने अन्य राज्यों ने संगठित होकर तो उसकी मदद की। उस आदमी की भामा साहब व्यापारी थे तो बनिया थे वो उनके साथ आवाजन खड़े रहे। तो हम आज महाराणा प्रताप की जयंती मना आज भी हम काकोरों को मैं क्षमा चाहूंगा फिर पर क्या हुआ मैं हनुमान जी महाराज की जाओ तुम अच्छा काबू में डरना। मैं रोज बजरंगगढ़ जाता हूँ बीरपुर जी माता के मंदिर अतिशोक्ति नहीं है काफी लंबा समय हो गया है और वहाँ अकेले बाबा का मंदिर में अकेला पूजा करता हूँ और मेरे साथ ही गुना के बैठे दबंग जिंदगी दी मैंने गुना हमें अकेला कॉलेज तहसील बना ऑफिसर बना आज भी बैठ कर दबंग जिंदगी जीता बड़ा बुरा लगता है। पैसे वाला ठाकुर और एक गरीब ठाकुर दोनों में अंतर होता है। चाहे जो पैसे वाले ठाकुर है इनके पास व्यवस्था है एक कैटेगरी टैग लगा दिया जाता है। हम उस कैटेगरी हम ठाकुर है उस कैटेगरी से बाहर है। पूरे भारत के योद्धा थे महाराणा प्रताप ने मुगलों को परास्त किया और महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर थे जिन्होंने सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास जो आज की तारीख में चल रहा है ऐसे उन्होंने उस टाइम सबका साथ दिया था महाराणा प्रताप ने। और उन्होंने सबकी सेना बना के और जिन्होंने हमारे भारत को कमजोर कर रखा था उस पर साम्राज्य कर रहे थे
उन लोगों को परास्त किया, इसलिए सबको याद दिलाने के लिए उनका हमने ये जुलूस निकाला है और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई है। वो हमारे अग्रज हैं, देश का उन्होंने नेतृत्व किया है। मेरा कहना ये है कि सब लोग महाराणा प्रताप के प्रिय रहे हैं, तो सबको ये संदेश भी जाए कि ये सबका साथ लेके चले हमेशा, और उनको सबने साथ भी दिया। जो भी वर्ग था उनने, कोई भी वर्ग उनसे छूटा नहीं था, सारे वर्ग को लोग उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि राजा का काम ही यही है कि सारे वर्ग उनसे जुड़े रहे। राजा के लिए कोई ना अपना है ना कोई पराया है, उन्हें तो अपने राज्य का, राज्य को सुरक्षित रखना है। तो सबको साथ लेके महाराणा प्रताप ने जो देश के लिए काम किया है, देश को स्वतंत्रता दिलाई है, स्वाधीनता दिलाई है, उसकी आज हम महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई थी यहाँ चाचौड़ा में। और सभी राजपूत समाज के और भी वर्ग के लोग थे यहाँ, गुर्जर समाज भी है, भील समाज भी है, बंजारा समाज भी है, सारे समाजों ने हमारे साथ आके और महाराणा प्रताप की जयंती को सफल बनाया। उनको आज हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं महाराणा प्रताप जयंती पे, और जिलेवासियों को, पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बधाई और धन्यवाद। दिन प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम में कोई ना कोई बातचीत होते थे, लेकिन इस दिन उसमें मुस्लिम समुदाय ने जो स्वागत सत्कार जिस पर आपको कराया, तो उन्हें देश प्रेम झलकाया, क्योंकि उस युद्ध में 6,000 पठान भी थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में काम किया है। इसलिए उनने आज देश को ये दिखाया है कि हम देशवासी हैं, ना कि कोई समाजवाद, इसलिए उन्होंने ये स्वागत किया महाराणा। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। भौरा से निकाली गई युवा मोर्चा की बाइक रैली। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में गुना जिले की सभी मंडलों की बाइक रैली को निकालना था, जिसमें जिले भर से होते हुए गुना जाकर लक्ष्मीगंज में इसका समापन किया जाएगा। वहीं लक्ष्मीगंज में भी एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है। जाएगी टोल टैक्स, गुना टोल टैक्स पे, टोल टैक्स से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाजपा युवा मोर्चा के अभिलाष पांडे जी वहाँ पर आएंगे। वहाँ से पूरे गुना जिले की 11 मंडलों की रैली बनेगी और वहाँ से एकत्रित होकर सभी मंडलों की पूरी 3,000 बाइक लगभग वहाँ से चलेंगी, और पूरे गुना हाईवे से लेकर हाट रोड से होते हुए सराफा बाजार और लक्ष्मीगंज में शाम को 5 बजे आम सभा है, वहाँ समापन होगा। तो अभी आपने ये कहाँ से प्रारंभ की है? ये हमने भोरा मंदिर, भोरा मंदिर, हाँ, पूरा बमोरी मंडल वहाँ पे एकत्रित होकर वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये झागर पे स्टॉप था और यहाँ से अब बन के जा रही है। तो आप इधर के मंडल के बाजीमो मंडल अध्यक्ष? मंडल अध्यक्ष। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। धर्नावदा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें क्षेत्र के आसपास के बच्चों ने भाग लिया। वहीं ग्रामीणों को इस योग के बारे में बताया गया कि किस तरह से योग से लाभ होते हैं एवं जीवन में योग का क्या महत्व है, साथ ही योग की बारीकियों की जानकारी भी दी गई। योग की शिक्षा वहाँ पर शिक्षक नितिन शर्मा के द्वारा दी गई। साथ ही आह्वान किया गया कि मातृशक्ति भी आगे आए और योग करें, जिससे योग से अपने रोगों को भगाया जा सकता है। साथ ही आदर्श गांव एवं भोलाय गांव से श्रीराम गौशाला पर भी योग का आयोजन किया गया। आया
अब काल्पनिक कर रहे हैं, पहले सही करते हैं। अब घरों में से बंद हो गई, घरों में अरे सब हो जाएगा। वो 6:30 बजे साथ था। हाँ नहीं, के लिए धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। डीजीआरआई में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।